हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो हर एम्प्लॉयर के लिए है जो लोग पीएफ के पेमेंट्स टाइम पे नहीं करते हैं, या फिर वो सैलरी लेट करते हैं, या फिर वो एंड मोमेंट पे पीएफ के पेमेंट्स करते हैं। और आपको तो पता ही है कि पीएफ की साइट एंड मोमेंट पे ही चलना बंद हो जाती है। मान लो हमने एक भी दिन पीएफ का पेमेंट लेट किया तो हम लोगों को इंटरेस्ट और डैमेजेस के चलन भरने पड़ते हैं और हम लोगों को लेट पेनल्टी लगती है। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने एक भी दिन पेमेंट लेट किया तो उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा। सो फ्रेंड्स, दो तरीके से हम लोगों को इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, तो चलो पहले हम देखते हैं कि किस अकॉर्डिंग हम लोगों को इंटरेस्ट लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि लेट पेमेंट का जो पेनल्टी है वो हम लोगों को दो तरीके से पे करना होता है। एक आता है सेक्शन 7Q एंड एक है वो सेक्शन 14B। अगर हम बात करें सेक्शन 7Q की तो इसमें इंटरेस्ट जो रेट है वो 12% है पर एनम। मान लो आपका पीएफ का चलन अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज है, तो आपको पर डे 66 रुपीज आपको इंटरेस्ट लगेगा। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 14B की। तो मान लो हम लोगों ने 2 मंथ तक पेमेंट नहीं किया तो हमें 5% हम लोगों को चार्जेस लगते हैं। इसके बाद में 2 से 4 मंथ हमने नहीं किया पेमेंट तो 10% एंड 4 to 6 मंथ अगर हमने डिले किया तो 15% और एक्सीडिंग 6 मंथ से ज्यादा हुआ तो 25% हम लोगों को पेनल्टी लगती है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि मान लो आपका जो पीएफ का चलन अमाउंट है वो 2 लाख है तो हमें 5% के अकॉर्डिंग 27 रुपीज पर डे चार्जेस लगेगा, 10% के अकॉर्डिंग 55 रुपीज लगेगा और 15% के अकॉर्डिंग 82 रुपीज लगेगा और 25% के अकॉर्डिंग अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो 137 रुपीज हम लोगों को पर डे चार्जेस लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों को बहुत सारी जो पेनल्टी है वो हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है अगर हमने एक भी दिन मिस कर दिया पीएफ का पेमेंट जमा करने को। सो फ्रेंड्स, चलो हम लोग देख लेते हैं कि ये पूरी प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन और पेमेंट कैसे कर सकते हैं। एक बात की ध्यान रखें फ्रेंड्स कि अभी ये जो इंटरेस्ट के चलन वगैरह है वो ऑटो कैलकुलेट ही होते हैं, तो हम लोगों को अभी उसके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली हम लोग ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इंटरेस्ट की चलन की प्रोसेस क्या है। तो मैं हूं रिया पटेल एंड आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू, जिसमें हम सॉल्यूशंस देते हैं पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, बैंकिंग, टैली एक्सेट्रा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, पेनल्टी एंड डैमेजेस चार्जेस पे करने के लिए हम लोगों को जाना है पीएफ के पोर्टल पे। यहाँ पे अपने को लॉगिन करना है एम्प्लॉयर का आईडी पासवर्ड डाल के, इसके बाद ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और इसके बाद में हमें पेमेंट्स में जाना है और ईसीआर एंड रिटर्न फाइलिंग के अंदर क्लिक करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो डैमेजेस एंड इंटरेस्ट में आपको प्रिपेयर 7Q 14B चरण के ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा जो भी इंटरेस्ट के लिए आपके चलन आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिस्ट है 1, 2, 3 दिख रहे हैं हमें, तो ये पर्टिकुलर मंथ के फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 17, सितंबर 17 ये सब हम लोगों को पेनल्टी भरनी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे अप्रैल का करना है इंटरेस्ट पे, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट में जाना है और यहाँ से वही मंथ सिलेक्ट करना है और इसके बाद में स्क्रोल डाउन करके प्रिपेयर चलन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा चलन है वो प्रिपेयर्ड हो गया है, यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो TRRN नंबर हमें है यहाँ से हमारा मिल गया है और यहाँ पे हमारा एक्नोलेजमेंट फाइल एंड रिसिप्ट फाइल मिल जाएगा और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे रिसिप्ट फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ईसीआर चलन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा 14B और 70Q डैमेजेस का जो चार्जेस है वो यहाँ पे अकाउंट नंबर 1, 2, 10, 21 और 22 में यहाँ पे टोटल आपको दिख जाएगा इस तरीके से और टोटल अमाउंट हो रहा है 436 का। तो आपको इस तरीके से ये चलन भी डाउनलोड करके रखना पड़ेगा आपके रेफरेंस के लिए। इसके बाद अगर हम लोगों को पेमेंट करना है तो यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में जाना है, पे के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ से आपको आपकी बैंक सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी बैंक है वो, और कंटिन्यू करके आगे आपका पेमेंट करना है। सो ये पूरी प्रोसेस जो पेमेंट की है वो कैसे करना है इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर हम लोगों ने प्रिपेयर चलन कर दिए है इसके बाद में हमें व्यू देखना है तो हम लोग पेमेंट्स में जाएंगे और ईसीआर फाइलिंग में जाएंगे
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू पे 7Q एंड 14B चैलेंज है, तो वहां पे अगर क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ पे आपका जो TRRN नंबर आपने जनरेट किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको चलन वगैरह जनरेट करने हैं और पेमेंट्स करने हैं। ध्यान रखें, आप 15 से पहले ही आपके चलन जनरेट करके पेमेंट्स वगैरह कर ले, ताकि ये आपको इंटरेस्ट और जो डैमेजेस के चार्जेस लगते हैं वो ना लगे। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।